अभी हम एक्सरसाइज 2.4 करने लगे हैं और उसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, यानी कि इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो अल्फा बीटा हैं। तो अब हमने इसकी कीमत मालूम करनी है अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की। अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं तो हम सम ऑफ रूट ले सकते हैं, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। माइनस बी ओवर ए का मतलब ये b की वैल्यू तो p हो गई, माइनस p ओवर a की वैल्यू 1 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस p। इसी तरह से अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट भी ले सकते हैं, वो है c ओवर a, तो c की वैल्यू q आ गई और a की वैल्यू 1, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई q। ये हमारे पास सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। अब हमने फाइंड करना है ये वाला अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। अगर इसका स्केयर लें अल्फा प्लस बीटा का तो ये चीज़ हमें मिल जाएगी, तो इसका स्केयर ले लेते हैं अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा का स्केयर माइनस पी का स्केयर। तो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस टू अल्फा बीटा, माइनस का स्केयर प्लस हो गया और पी का पी स्केयर। अब इसकी तो हमें वैल्यू चाहिए अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस टू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, वो है q, और ये इज इक्वल टू पी स्केयर। सेम अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस टू क्यू इज इक्वल टू पी स्केयर। तो अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर माइनस टू क्यू। तो ये हमारा जो है रिक्वायर्ड कीमत है, इसकी रिक्वायर्ड वैल्यू अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। इसी के साथ हमारा दूसरा पार्ट है हमारे पास अल्फा क्यूब बीटा और प्लस अल्फा बीटा क्यूब। अब हमें नज़र आ रहा है कि अल्फा बीटा दोनों में है, तो हम अल्फा बीटा कॉमन ले लेते हैं। अल्फा बीटा कॉमन लेने से हमारे पास बचेगा अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। अब ये जो सवाल है ना, ये ऊपर वाली स्टेटमेंट, ये तो सारे पार्ट्स के लिए सेम है, यानी कि ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा जो सब के लिए सेम है। तो यहाँ पे हम पहले की तरह अल्फा बीटा की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है क्यू, अल्फा स्केयर बीटा स्केयर की वैल्यू हम पिछले पार्ट में हम निकाल चुके हैं। अगर ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर लें, अल्फा बीटा की वैल्यू q और ये अल्फा स्केयर बीटा स्केयर की वैल्यू p स्केयर माइनस टू क्यू, तो ये आ जाएगा हमारा रिलेशन p स्केयर माइनस टू क्यू। अब इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट देखें, अल्फा और बीटा प्लस बीटा और अल्फा। तो इसके अंदर हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, अल्फा बीटा, बीटा डिवाइड करेगा अल्फा स्केयर, अल्फ़ा डिवाइड करेगा तो बीटा ओवर मल्टीप्लाई बीटा स्केयर। अब ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं बटे के ऊपर है, अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है, क्या है पी स्केयर माइनस टू क्यू, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने पहले निकाली हुई है, वो क्या है क्यू। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है पी स्केयर माइनस टू क्यू ओवर क्यू। तो अगर ये सिर्फ आपने तीसरा पार्ट ही करना हो, तो फिर उसके लिए हमें अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा करके फिर हमें ये चीज़ देख के अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर इसी तरह से मुरब्बा लेकर निकालना पड़ेगा, फिर वैल्यू इसमें पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास पहले वो सोल्यूशन मौजूद है पिछले पार्ट का, इसलिए उसको हमने आगे पुट कर लिया। लेकिन अगर आपने सिर्फ तीसरा करना हो, उसके लिए हमें अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर इस तरीके से मालूम करना पड़ेगा, और अल्फ़ा बीटा जो है वो इस तरीके से फाइंड करना पड़ेगा, फिर हम इसमें पुट करेंगे। अब हम क्वेश्चन टू करने लगे हैं। इसके अंदर भी सेम सिचुएशन है कि ये इक्वेशन उसने दे दी है, कहते हैं इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं, तो इसकी वैल्यू फाइंड करें 1/α और 1/β। तो सबसे पहले हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम कर लेते हैं इसके, जो कि इसके तमाम पार्ट्स के लिए इस्तेमाल होने हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा माइनस बी ओवर ए माइनस माइनस 5/4, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी 5/4। अल्फ़ा बीटा की है सी ओवर ए, अल्फ़ा की वैल्यू 6/a की वैल्यू 4, ये कैंसिल करें तो 2 3/6 और 2 2/4, तो अल्फ़ा बीटा बराबर आ जाएगा 3/2। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की।
अब हम इसका पार्ट वन सॉल्व करने लगे हैं और इसका एलसीएम लें, अल्फा बीटा आएगा, तो अल्फा अल्फा से डिवाइड होगा तो ऊपर बीटा, और बीटा बीटा से डिवाइड होगा तो ऊपर अल्फा, तो ऊपर आ गया अल्फा प्लस बीटा और नीचे आ गया अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है 5/4 और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है 3/2। अब यहाँ पे 3/2 को अगर बटे के ऊपर ले जाएं तो 5/4 मल्टीप्लाई 2/3 हो जाएगा, 2 2s are 4, तो ऊपर 5 बचा और नीचे 3 2s are 6 आ गया। तो ये हमारी इस रिलेशन की वैल्यू होगी। इसका दूसरा पार्ट है अल्फा स्केयर बीटा स्केयर। हमने अल्फा बीटा की वैल्यू 3/2 फाइंड की हुई है, तो ये अल्फा स्केयर बीटा स्केयर असल में तो अल्फा बीटा का स्केयर ही है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू 3/2 है, इसका स्केयर आएगा तो ये इक्वल टू आ जाएगी 9/4। तो ये इसका आंसर होगा अल्फा बीटा होल स्केयर का। इसी तरह इसका पार्ट थ्री जो है वो हमारे पास है 1/α² β + 1/α² β². अब इसमें देखें तो बटे के नीचे अल्फा बीटा भी है और इस बटे के नीचे भी अल्फा बीटा है, तो हम 1/α² कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 1/α + 1/β, तो 1/α β इक्वल इंटू 1/α, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं अल्फा बीटा, और ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, जिस तरह हमने ये इसको सॉल्व किया था ये आ गया। अब हम 1/α β, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास 3/2 है, 3/2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू हमारे पास है 5/4 और बटे के नीचे अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है 3/2। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ये बटे जो हैं ये कन्फ्यूज़ कर देते हैं। ये 3/2 को बटे के ऊपर ले जाएं, 2/3 हो जाएगा इंटू 5/4 मल्टीप्लाई 3/2 ऊपर जाके 2/3, इस तरह से हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं आपस में, तो ये 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो 2 1s are 2, 2 1s are 2, तो अब हमारे पास बच गया ऊपर सिर्फ 5 बचा है और बैठे हैं ये 3/3, और 3/3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 3s are 9, तो ये हमारा आंसर होगा ये इस वाले रिलेशन का तीसरे पार्ट का। अब हम इस रिलेशन को सॉल्व करेंगे इसका। हम अभी हम क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 करेंगे, वो है अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा। कैल्शियम ले पहले, एलसीएम अल्फा बीटा आएगा, बीटा बीटा से डिवाइड होगा तो अल्फा की 3, अल्फा अल्फा से डिवाइड होगा तो बीटा की 3। अब ये की 3 और बी की 3 का फार्मूला हमने एक पढ़ा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा की ताकत 3 बराबर होती है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। हमें ये चीज़ चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, हम इसको इधर मूव कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा अल्फा प्लस बीटा सारी की ताकत 3, ये लिख लिया। अब ये सारी इधर आ जाएगी तो -3 α β इंटू अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। तो अब हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/4³, -3 अल्फा बीटा की वैल्यू है 3/2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/4 और अल्फा बीटा की वैल्यू है 3/2। अब ये 3/2 ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा इंटू 5 का, आप इसका खोलें मकाब खोलें 125, 4³ खोलें तो ये 64 आ गया, -3 3s are 9, 9 5s are 45, 2 4s are 8। हम इन कैल्शियम ले लेते हैं, 64 ये 125 आ गया, 8 8s are 64 और 8 को 45 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ गया 360। तो 2/3 इंटू, अब ये आपस में दोनों जो हैं ये माइनस हो जाएंगे तो -235/64 आ जाएगा, ये माइनस होगा 235 आ जाएगा, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 32 और 32 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -235, 32 को 3 से करें तो 96 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा। अभी हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 3 करने लगे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर
बीटा क्यूब। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम पहले की तरह जो है वो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लेते हैं, तो फिर इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, वो है माइनस बी ओवर ए, यानी कि माइनस एम ओवर एल। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस एम ओवर एल। अब इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट है हमारे पास सी ओवर ए, सी की वैल्यू एन है और ए की वैल्यू एल है, ये ए की वैल्यू ये सी की वैल्यू। तो अल्फा बीटा आ गया एन ओवर एल। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। अब हम इनमें से देखें अल्फा बीटा कॉमन आ रहा है, अल्फा बीटा कॉमन लें तो अंदर बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बल्कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन आ रहा है। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है तो ये तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर हो गया और ये अल्फा प्लस बीटा। अब हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू भी है एन ओवर एल इसका होल स्क्वायर, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है माइनस एम ओवर एल। तो ये इसका स्क्वायर खोलें, एन स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर माइनस एम ओवर एल। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो एम एन स्क्वायर माइनस और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और एल की ताकत 3 हो जाएगी। तो ये वाला हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब ये दूसरा पार्ट है क्वेश्चन 3 का, तो इसका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा तो हमने पहले ही फाइंड किया हुआ है पहले पार्ट के लिए, तो दूसरे पार्ट के लिए इसको अलग से करने की ज़रूरत नहीं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू में चाहिए तो इसका एलसीएम ले पहले अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर कैंसिल ऊपर आ गया बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर कैंसिल तो ऊपर आ गया अल्फा स्क्वायर। तो इसकी ये तो अल्फा बीटा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कहाँ से आएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास कोई नहीं, हमारे पास तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। तो हमारे पास जो एक फार्मूला है ना अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ए जमा बी का मरबा जिस तरह खोलते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, हम इसको इधर ले आते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई ये वाली, तो इसकी जगह पे ये लगा लेते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वो क्या है हमारे पास माइनस एम ओवर एल। तो माइनस एम ओवर एल का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है एन ओवर एल, और बटे के नीचे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है तो ये अल्फा बीटा की का एन ओवर एल का होल स्क्वायर हो जाएगा ये भी इस तरह से। अब ये एन स्क्वायर और एल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर जाएगा एम स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर माइनस टू एन ओवर एल बटे के नीचे एन स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर। अब ये एन स्केयर एल स्केयर ऊपर जाके उल्ट हो जाएगा, एल स्केयर ओवर एन स्केयर हो जाएगा इनटू ऊपर वाले का इन दोनों का एलसीएम ले लें एल स्केयर, तो ये आ गया एम स्केयर माइनस टू एन एल। अब ये एल स्केयर कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा एम स्केयर माइनस टू एन एल ओवर एन स्केयर, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं वन ओवर एन स्केयर इंटू एम स्केयर माइनस टू एन एल।